अहम खबर आ रही है मुल्तान से, मुल्तान कचहरी से। पीटीआई रहनुमा हुसैन जहानिया गर्देजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हुसैन गर्देजी अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे में जमानत के लिए अदालत आए थे। मुकर्रम खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मुकर्रम, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुसैन जहानिया गर्देजी एक मरतबा फिर जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं। हुसैन जहानिया गर्देजी को मुल्तान कचहरी से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हुसैन जहानिया गर्देजी को जो है 931/23 मुकदमे में अदालत में जो है पेश किया गया था। मजिस्ट्रेट मुजीबुल्ला की अदालत से हुसैन जहानिया गर्देजी को जमानत मिली थी और अदालत से जो है निकलते हुए मखदूम रशीद पुलिस ने उनको भी दोबारा जो है गिरफ्तार किया है। और जबकि हुसैन जहानिया गर्देजी के खिलाफ थाना मखदूम रशीद में जो है मुकदमा दर्ज, और इसके साथ साथ आपको बताऊं कि हाई कोर्ट ने 2 रोज कबल ही हुसैन जहानिया गर्देजी को नजरबंदी केस में जो है रिहाई दी थी। हुसैन जहानिया गर्देजी को मुल्तान कचहरी से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हुसैन जहानिया गर्देजी को जो है 931/23 मुकदमे में अदालत में जो है पेश किया गया था। मजिस्ट्रेट मुजीबुल्ला की अदालत से हुसैन जहानिया गर्देजी को जमानत मिली थी और अदालत से जो है निकलते हुए मखदूम रशीद पुलिस ने उनको भी दोबारा जो है गिरफ्तार किया है। और जबकि हुसैन जहानिया गर्देजी के खिलाफ थाना मखदूम रशीद में जो है मुकदमा दर्ज है, और इसके साथ साथ आपको बताऊँ की हाई कोर्ट ने 2 रोज कबल ही हुसैन जहानिया गर्देजी को नजरबंदी केस में जो है रिहाई दी थी। जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए।